बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूएमटी टीवी और प्रोग्राम मायदा के साथ, मैं हूं आपकी होस्ट मायदा कंवल। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कुछ एजुकेशनिस्ट के पास मैं जा रही हूं और उनके इंटरव्यूज़ ले रही हूं, उनके बारे में हम बहुत सारी दिलचस्प सी बातें पूछते हैं। यहाँ पे भी आज मैं जिनके ऑफिस में मौजूद हूँ, उन्होंने इतना कुछ पढ़ा हुआ कि मैं तो मतलब मैं डिस्क्राइब करने से रह गई। मैं उनको देख, उनकी डिग्रीज, उनके अवार्ड्स, और मैं मतलब अब ये सोच रही हूँ कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मैम कंवल अमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम, अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से निकाला अपना टाइम और हमें दिया। यू आर वेलकम। काफी देर से आप कह रही थी लेकिन वो मैनेज नहीं हो रहा था, बट फाइनली यस वी मेड इट। मैम अच्छा मुझे भी बताइएगा, इतना इतना पढ़ा आपने माशाल्लाह से, इतना कुछ आपने अचीव किया हुआ है, मतलब आपको पढ़ाई का शौक कैसे हुआ? क्योंकि स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थी तो किस तरह से आप पढ़ती थी और क्या कैसे था ये सब कुछ? ये एक टिपिकल सी बात लगती है, लोगों को खेल का शौक़ होता है, एक्टिंग का शौक़ होता है बचपन से। बिल्कुल। लेकिन ये है कि पढ़ना मेरा शुरू से ही पसंदीदा मशगल आप समझ ले रहा, ठीक है। चाहे वो मेरा टेक्स्ट बुक्स है, चाहे वो मेरी लेयर रीडिंग है। सो आई हैव बीन इनटू रीडिंग सिंस माय चाइल्डहुड। ठीक है मैम, टीचिंग को क्यों चूज़ किया? इसी वजह से कि पढ़ने का शौक़ था तो फिर सोचा पढ़ाते भी हैं साथ। टीचिंग को क्यों चूज़ किया? देखें, इससे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन क्या है? बिल्कुल ये है। जब आप किसी की देखते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में कोई थोड़ी सी भी तब्दीली लेकर आते हैं, कोई मन मुसबत बात उन पर कुछ असर कर रही है, या आप उनको कुछ इल्म की तरसील हो रही है, उनको कुछ दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है। सही। अच्छा मैम, हमें जैसे हम लोग आपके बारे में कुछ सर्च आउट कर रहे थे, हमें बहुत सी सारी चीज़ें पता लगी। उसमें से एक चीज़ ये थी कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टार्ट किया और फिर चेयरपर्सन, स्टूडेंट से टीचर तक, टीचर से चेयरपर्सन तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे डिस्क्राइब करेंगी? ये सफ़र इतना मुख्तसर नहीं है जितना बताने में लगता है। बिल्कुल। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैंने यहाँ से मास्टर्स किया था, फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में ही जॉब शुरू की थी एज अ लाइब्रेरियन 8 साल। उसके बाद फिर लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर चेयर। तो ये हर एक पीरियड में एक लंबे लंबे सालों का गैप है, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना तो हो ही जाता है। तो मैम मुझे ये बताइएगा, लाइक जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे टीचिंग करना और जिस तरह से आपने यहाँ पे करियर स्टार्ट किया, तो वहाँ से लेके चेयरपर्सन तक कौन सा ऐसा एरा था जिसमें बहुत डिफिकल्टीज फेस की आपने, बहुत हैवी हो गया काम आपके ऊपर? जब मैं अपनी PhD स्टडीज़ कर रही थी, और वो मेरा ख्याल है सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है, वो आसान सफ़र नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और मुश्किल हो जाता है। तो मैम मुझे ये बताइएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस आई मैनेज्ड इट। जैसे आप बता रही हैं कि बच्चों के साथ आपकी पूरी फैमिली थी, और साथ साथ आपने स्टडी को कंटिन्यू भी रखा हुआ था और पढ़ा भी रही थी, जी। इतनी सारी चीज़ें मतलब एक इंसान कैसे मैनेज कर सकता है? बिकॉज अगर आपको हम फैमिली लाइफ में देखें, यू आर द बेस्ट मदर एंड यू आर द बेस्ट वाइफ, टीचिंग में देखें, यू आर द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स जीते हुए, अवार्ड्स पर हम आएंगे बाद में, तो मतलब इतना सब कुछ मैनेज कैसे करती थी? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। टाइम मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट एंड देन योर कमिटमेंट एंड पैशन। If you are passionate about something, some goal, you make ways to achieve it. If it is someone other's goal, or aap thoda sa bas aise hi dil nahi chah raha itna, you are not into it, then there are 100 excuses of not getting done. सही मैम, कुछ अपनी मोटिवेशन के बारे में बताइएगा, कभी डीमोटिवेट हुई, किसने मोटिवेट किया, फिर अपनी स्टूडेंट लाइफ में किससे मोटिवेशन लेती थी? डीमोटिवेट तो मैं नहीं होती, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। एक मैं बोर हो जाती हूँ एक ही चीज़ से बार बार हुई, इसलिए आई कीप ऑन चेंजिंग माई कोर्सेज, माई लर्निंग, माई रीडिंग, माई एरियाज। मुझे एक एक्सपेंडेड नॉलेज जो है ना, उसको लेना अच्छा लगता है। आई अभी भी अगर मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे मज़ा आता है, और मैं इसीलिए नई सब्जेक्ट्स और नए एरियाज के ऊपर भी साथ साथ फोकस करती रहती हूँ। कि एक होती है लेयर रीडिंग, एक होती है कंपल्सिव रीडिंग। जब आप कोई नया एरिया एकेडमिक यू एम्बार्क ऑन दैट एरिया, इट मेक्स यू रीड।
समटाइम्स वो पढ़ाई जाती हैं कुछ किताबें मेरी रैक में कि अच्छा अभी इनको पढ़ना है फिर मैं जब उसको उठाती हूँ उस पर कुछ लिखना होता है कुछ यू रीड इट. तो मोटिवेशन तो रहती है. मोटिवेट किसने किया, बस यही एक जिसे आप कह लें कमिटमेंट थी कि बस ऐसे करना है. और घर से उसकी सारी वो एनकरेजमेंट थी फ्रॉम माई हस्बैंड माई किड्स माई पेरेंट्स माई इन लॉ. सो एवरी वन वॉज हैप्पी टू सी मी. दैट्स इट. सही. तो मैम जिस टाइम पे आपका स्टडी टाइम स्टार्ट हुआ आप स्टूडेंट लाइफ में थी तब बहुत मुश्किल था लड़कियों का तालीम हासिल करना. तो इतना अच्छा नहीं समझते थे लड़कियां हैं घर में बैठा के रखो. अभी भी कहीं कहीं वैसा ही है कि लड़कियां हैं ज़्यादा पढ़ाने मैट्रिक करा दिया बहुत है लड़कियों को. तो वो उस टाइम पे कैसे मतलब पेरेंट्स ने आपको सोचा कि कंवल मैम को इतना पढ़ाते हैं. और पहली बात यह है कि इतना पुराना मेरा टाइम नहीं है कि जब मैट्रिक तक रहते थे मेरे ज़माने तक बीए तक हो चुका हुआ था कि नहीं ग्रेजुएशन कर ले. लेकिन मेरी ये एक गुड लक ये थी कि मेरी शादी चूँकि यूनिवर्सिटी के ही उस वक्त वो टीचर थे तो उनके साथ हुई प्रोफेसर. तो आई फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी. अगर ना होती तो मोस्ट प्रॉबेबली फिर मैं ग्रेजुएशन नहीं करती क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो को एजुकेशन के कोई इतने कम्फर्टेबल नहीं थे. बट मेरी शादी का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैंने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया बगैर किसी इस तरह की सोशल बाइंडिंग. तो मैम उन लड़कियों को उन पेरेंट्स को क्या कहेंगी जो अभी तक बच्चों को लड़कियों को ये कहते हैं कि बस पढ़ लिया है अब बस तुम्हारी शादी करनी है घर जाना है. लड़कियों के ख्वाब होते हैं कोई कुछ बनना चाहती है लेकिन उसको रोक दिया जाता है. तो उनके पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगी कि लड़कियों को पढ़ने दें. मैं यही चाहूँगी कि लड़कियों को पढ़ने दें. और लड़कियाँ वैसे थोड़ा सा अगर आप देखें इस वक्त तो यूनिवर्सिटी और सबके स्टैटिस्टिक्स लें तो मुझे तो लड़कियाँ अब ज़्यादा नज़र आ रही हैं फील्ड में. पढ़ भी रही हैं आगे भी जा रही हैं पोजीशंस भी ले रही हैं. अब तो लड़कों को कहने की ज़रूरत है कि वो लड़कियों जितना पढ़े. तो एक बात तो ये है ठीक है दे आर मोर कमिटेड और वो मोर हार्ड वर्किंग. आई गिव चैलेंज टू माई मेल स्टूडेंट दैट यू हैव टू कम्पीट विद देम. तो एक तो ये बात है लड़कियों के एंड पे तो ऐसा कुछ नहीं है बट हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है कि हमें एक सर्टन जिम्मेदारियाँ भी लेनी भी होती हैं और उनको अदा भी करना होता है एज चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स. तो हर पेरेंट्स जो हैं वो एक ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि लड़कियों को वो आगे भी भेजना. उन्होंने असल में बात यह है कि वो फिर रश नहीं करना चाहिए इसके लिए कि जस्ट एक ड्यूटी है बस अदा कर दें फटाफट शादी हो जिधर मर्जी वो जा रही है. कुछ कंपैटिबिलिटी ये होनी चाहिए उनकी एक्सेप्टेंस की उनके नॉलेज की उनके स्किल की एंड दे शुड फाइंड अपॉर्चुनिटीज. दूसरा थोड़ा लड़कियों का भी जो है ना ये एक साइड पे देखने की ज़रूरत है कि वो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है आई माइट बी रॉन्ग कि वो सिर्फ एजुकेशन की तरफ के जी हमने एजुकेशन है. सोशल स्किल्स उनकी पर्सनल स्किल्स उनकी जिसको तरबियत भी आप कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स भी हम कहते हैं अगर हम उस ज़बान में जाएं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह की ऐसी कोई उनकी ग्रूमिंग साथ नहीं की जाती. बल्कि मुझे एक मेरी दोस्त बताती हैं कि जो कहना तो नहीं चाहिए जो कुछ बच्चियाँ से रिमोट सिटीज से आती हैं या गांव से आई होती हैं तो वो जब इधर आती हैं रहती हैं थोड़ा पढ़ती हैं तो अपने ही घर वालों के रोब जमाना शुरू कर देती हैं कि आप हमें कैसे ये घर का काम कह सकती हैं हम ये क्यों करें हम तो पता नहीं क्या बन गए. तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर बाकी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ वुमेन एज अ मदर एज अ वाइफ एज अ डॉटर. तो ये कोई इधर और वाला इसको क्लैश नहीं बनाना चाहिए उसके लिए सेंसिबली डिस्कस करके एक रास्ता निकालना चाहिए. सही. तो मैम यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी 1993 नीदरलैंड 2003 जर्मनी एंड 2005 में नॉर्वे 2010 में यूएसए एंड 2013 में इंडिया 2013 में जापान 2013 में जापान. मैम यहीं पे एक्चुअली हमारे पास 2013 इंडिया ही तो वो मतलब इंडिया तो हम कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जाते हैं इतने सारे अवार्ड्स लिए और इतने सारे इंडियन अवार्ड था एक मेरे लिए यस इंटरनेशनल अवार्ड. तो मैम मतलब हमारे हमसाया मुल्क से भी अप्रिसिएशन भी मिली वहाँ से कि इतने अवार्ड जीते. इसलिए कि वहाँ पे गई हूँ मैं 3-4 दफ़ा उनके कॉन्फ्रेंसेस पे भी कुछ एकेडमिकली आपका इंटरनेशनल अब ऐसे ग्रुप्स हैं आपका इंटरेक्शन होता है. तो ये
उन्होंने काम देखा मेरा जो भी दे थॉट दैट वी शुड गिव. मैंने तो बल्कि कहा था, लोग कहते हैं हमें दें, मैंने उनसे कहा था कि आप अपने उधर देखें, आपको कुछ ज़्यादा बेहतर मिल जाएंगे. तो मुझे आई डोंट थिंक दैट आई शुड गेट इट, बट देन नो नो दैट इज़ आवर डिसीजन, यू डोंट हैव एनी से इन इट. आई सेड ओके देन. तो ये पाकिस्तान को एप्रिसिएशन मिलने का जो है ना काम, वो बहुत पहले से चल रहा है, ये लोगों को पता नहीं है. तो मैम मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी सारी जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से अवार्ड रिसीव करके वापस आई, फैमिली का क्या रिस्पांस होता था और खुद कैसे क्या फीलिंग होती थी तब जब पाकिस्तान के नाम पर एक अवार्ड आता था हाथ में? एक्चुअली यही होता है, जब आप बाहर होते हैं तो अपना आप पीछे होते हैं, आपको ये होता है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. जब हमने फील्ड ये ज्वाइन किया था बाहर, जब शुरू में जाने का मौका मिला तो पाकिस्तान से बहुत कम इंटरनेशनल विजिबिलिटी, आप कह लें आलमी सतह पर बहुत कम थी. तो उस वक्त ही मुझे यही एक गोल मैंने बनाया था कि वी हैव टू टेक दिस कंट्रीज एंड दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस डिपार्टमेंट एट इंटरनेशनल लेवल. सही. तो अब ये है कि लोग जो हैं हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है या फील्ड से, दे एटलीस्ट नो दिस डिपार्टमेंट एंड द वर्किंग एंड ऑल दैट रिसर्च व्हाट वी आर डूइंग हियर. ठीक है. तो जैसे ये यहाँ पे लग रही हैं, मुझे लगता है ये क्लास में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगी, तो मैम इसी वजह से आई गेस HEC का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला और PU से दोनों को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल गया. इसके अलावा बहुत सारे नेशनल अवार्ड हैं, तो मैम इनके बारे में मतलब बेस्ट टीचर. मैं एक तरीका होता है आपका, मैं आई डोंट नो, मैंने कभी एम करके नहीं किया था, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट टाइम ये बेस्ट टीचर्स की स्टूडेंट असेसमेंट हुई थी तो उस वक्त हमें तो ये तो नहीं पता कि होनी है तो हम कोई अच्छा करें. इट इज़ योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, तो दैट वॉज माई वे ऑफ बींग इन द क्लास एंड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड वट एवर आई थिंक आई शुड डू इट. और दूसरा ये है कि मैं अपनी ही सेल्फ असेसमेंट पर भी बड़ा यकीन रखती हूँ, तो मैं इनफॉर्मली फॉर्मली स्टूडेंट्स से अदरवाइज भी फीडबैक लेती रहती हूँ ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, आफ्टर द सेशन. अब ज़्यादा फॉर्मल हो गया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने असेसमेंट करवाना, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, उसमें भी अच्छी आती है. तो बात यह है कि आप अपनी नीयत के साथ, कमिटमेंट के साथ और फर्ज से भी आगे बढ़ कर समझते हुए अगर कुछ करते जाते हैं रिवॉर्ड्स मिल ही जाते हैं, नहीं भी मिले तो किसी ना किसी तरह से आप कंपनसेट हो जाते हैं. मैम आपका क्या मेथड होता है क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने का, किस तरह से आप पढ़ाती हैं, आपको क्या लगता है? ये शायद आप बच्चों से पूछें तो वो ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ही होती है कि उनको एंगेज्ड रखूँ. मैं उनकी ओरिजिनल थिंकिंग जो है ना उसको चाहती हूँ कि दे शुड थिंक इंडिपेंडेंटली. तो मैंने उनको कहा हुआ है कि यू आर्ग्यू विद मी, प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. समझ रहे हैं? बिल्कुल. तो उनको मैं इस पे बिलीव नहीं करती कि जो मैं वहाँ पे खड़ा होकर कह रही हूँ दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ इन दिस. मैम क्योंकि एक्चुअली पार्टिसिपेटिव लर्निंग जो है ना उसके ऊपर वी बिलीव दैट. बिल्कुल मैम. देखो वो टीचर्स को ऐसे कह दें नहीं मैम यहाँ पे आप मिस्टेक कर गई हैं, यहाँ पे आप ये कर गई हैं, वो बाद में उसी स्टूडेंट के साथ ना झगड़ा एक क्रिएट हो जाता है. एक बात है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू आर सेइंग, इट इज़ हाउ यू आर सेइंग इट. सो इफ यू वुड टेल योर टीचर दैट यू आर डूइंग रॉन्ग और सेइंग रॉन्ग, ऑब्वियसली दे विल माइंड. इस बात को किसी और तरीके से भी कह सकते हैं. तो मैं वो एक्चुअली जब एक बात अगर, लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाह रही हूँ ना कि यूजुअली क्वेश्चनिंग पे स्नब किया जाता है या उसको टीचर एज अ टीचर अगर आप स्केर्ड होते हैं या समझते हैं कि शायद ये हमारी कोई शान के ख़िलाफ़ है, तो मैं वो नहीं समझती. बाकी सर्टेन लिमिट्स जो हैं वो तो हम लोग फॉलो करते ही हैं स्टूडेंट टीचर के दरमियान कम्युनिकेशन की, तो दैट वी शुड. और उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है मैं समझ रही हूँ जितनी हमारी है. आई डोंट बिलीव इन डिग्रेडिंग स्टूडेंट्स. तो मैम सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है आपको अपनी जॉब की, जब आप यहाँ पे आती हैं और पूरा दिन आप बच्चों के साथ अपने ऑफिस में काम, इतना सारा काम भी करती हैं, तो सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? कभी कभी सोचना पड़ेगा. मेरी कोशिश ही होती है कि मेरे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि छोटे मोटे जहाँ पे लोग रहते हैं वो हिकअप्स आ जाते हैं या सिचुएशन आ जाती हैं, लेकिन उसने इतनी सलाहियत दी हुई है कि हम बड़े इश्यूज कुछ नहीं होते, तो इसलिए दिस प्लेस इज़ लाइक सेकंड होम, बल्कि ज़्यादा टाइम तो हमारा यही गुजरता है, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी ऐसा जिस तरह से नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. सही मैम. अब भी आज मतलब लाइक ये जो प्रेजेंट चल रहा हमारा, इसमें कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत थक गई हो,
आपकी स्ट्रेंथ बना हो कोई जिसने आपको पीछे से कहा मैम आप कर सकती हैं, लाइक इस तरह से कोई सिचुएशन आई आपकी लाइफ में अभी? मैं अपनी सेल्फ थेरेपी काफ़ी कर लेती हूँ, अगर कोई मुझे इशू आए, अगर फिर भी ना हो तो फिर ऑब्वियसली आप फैमिली वगैरह से डिस्कस कर लेते हैं या अपने कोई बहुत अच्छे दोस्त से कर लेते हैं तो. लेकिन आई बिलीव इन डीलिंग विद योर स्ट्रेसेस योर सेल्फ, इसका भी दूसरों के ऊपर थ्रो करने की बजाय. जैसे आजकल वो फेसबुक के ऊपर हर कोई बंदा जरा सा बीमार है मुझे फ्लू है तो तेल डाल देंगे, तो क्या है अब आप छोड़. देर शुड बी मैनर्स ऑफ यूजिंग दिस सोशल मीडिया ऑल्सो. वी हैव गॉट दिस सोशल मीडिया बट वी आर नॉट लर्निंग द एटिकेट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया. तो थोड़ा सा बर्दाश्त जो है ना वो हमें आनी चाहिए कि कैसे डील के हाउ टू डील विद सिचुएशन. वो तरबियत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है. सही. तो मैम कोई वीकनेस है कोई एज सच कि आप अगर क्लास में जाती हैं आपके प्रोफेशन के हवाले से आपकी कोई इस तरह की वीकनेस जिसको आप ओवरकम करने के लिए फिर वेकेशंस ले लेती हैं, माइंड स्ट्रेस हो गया या कुछ ऐसा? वीकनेस तो नहीं है मेरा, बड़ी मुद्दत से कुछ दो तीन किताबें मेरे दिमाग में चल रही हैं जो अभी तक लिखी नहीं जा रही हैं, तो वो बस उसका मुझे होता है कि आई शुड गेट डन विद दैट जॉब, आई शुड गेट डन, लेकिन वो हो नहीं पा रहा. अच्छा मैम आपने बुक्स की बात की तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक्स तो बहुत सारी हैं क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ अपना कुछ ना कुछ लेयर रीडिंग. सही. एक्चुअली मैम मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जब मैंने रात को बोला कि मैं कंवल मैम के पास जा रही हूँ, तो एक क्वेश्चन था उनसे पूछिएगा कि कौन सी ऐसी बुक है जो इंसान को अपनी लाइफ में एक दफ़ा लाजमी पढ़नी चाहिए. अगर मैं ये कहूँ तो शायद लगेगा कि ये ऐसी ही बात है, लेकिन मेरा ख्याल है एक दफ़ा तर्जुमे के साथ एक तो कुरान हम सबको पढ़ना चाहिए. जो ये आजकल हमें हर कोई जो मर्जी बता देता है और हम उसको अल्लाह ताला का हुक्म समझ के तो उस पर यकीन कर लेते हैं. हमारा मज़हब इसलिए नहीं आया था कि हम इधर उधर से सुन के, तो उस पर हमें ये कहा गया था कि खुद जानो खुद ढूंढो. तो ये अपनी सेल्फ एजुकेशन करना रिलीजियस, मैं ये समझती हूँ ये आज की नस्ल के लिए खुद बड़ा अहम है, क्योंकि ताकि हमें दूसरे लोग जो है ना वो किसी गलत रास्ते में ना लगा सकें. तो इसके अलावा आप फिक्शन में लिटरेचर में बहुत सी ऐसी किताबें हैं और हर किताब से आपको कुछ ना कुछ मिलता है. तो आजकल मैंने अभी बल्कि रात को नहीं पिछले वीक से शुरू किया है, वो भी बड़ी देर से ड्यू थी, एंड आई एम लविंग दिस द 40 रूल्स ऑफ लव. तो लेट्स सी क्या है उसमें पीछे. कुछ पॉलो कॉलो जो है उसकी भी मैं कुछ देख रही हूँ. तो पहले मैंने काफ़ी क्लासिकल उर्दू लिटरेचर पढ़ लिया हुआ, तो अब मुझे नए इतने के साथ में कनेक्ट नहीं होती, नई शायरी नई चीज़ें, ये भी एक मेरे साथ प्रॉब्लम है. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर किया, तो ये देखा जी आजकल बड़े ऑथर चल रहे हैं, मैंने कहा लेट्स बी आई लाइक सम ऑफ हिज वर्क्स एंड थिंग्स. सही. तो मैम आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे, आपकी नज़र में कहाँ जा रहा है और किस तरह से इसको मतलब अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए हमें? हमारे पास एक निज़ाम तो है नहीं, पब्लिक प्राइवेट एजुकेशन स्कूल एजुकेशन उसमें भी दो तीन कैटेगरीज हैं. तो ये एक बहुत जो डाइकॉटमी है हमारे, पहली बात तो ये कि सिस्टम में कहीं पे कुछ पढ़ाया जा रहा है कहीं पे कुछ पढ़ाया जा रहा है. तो कोई मेरा ख्याल है हमें कोर एजेंडा सेट करना चाहिए ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आर नेशनल इंटरेस्ट और कुछ, वो एक तो बच्चों को शुरू से वो आना चाहिए. ठीक. दूसरा ये कि जो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंसेस हैं मीडियम्स के, वो वहाँ से चलते हैं और फिर सोसाइटी में भी चलते जाते हैं. उर्दू मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, एक तरफ हम कहते हैं उर्दू ही करनी चाहिए, फिर हम उर्दू वालों को उतना अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो लैंग्वेज दोनों ही सीखनी चाहिए हमें अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा. नॉलेज दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहा है जनरेट हो रहा है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में हो रहा है. तो हमारे पास एक एज था कि हमें एक लैंग्वेज आती थी या आती है तो हमारी एक डायरेक्ट कनेक्शन है. तो जिन लोगों के हम अब ये एक अजीब सी बात लगी कि ये कह रहे हैं, अमूमन मिसाल दे दी जाती है कि जापान ने नहीं तरक्की की, चीन ने नहीं तरक्की की, उन्होंने तो अपनी ज़ुबान में देखा है. लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोग हमें रिस्क से देखते हैं कि अच्छा आप लोगों को अंग्रेज़ी आती है हमें अब सीखनी पड़नी. तो उन्होंने अब अपने सिस्टम में स्कूल्स में एज अ सेकेंड लैंग्वेज उसको बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो भी दुनिया के साथ उस तरह नॉलेज के साथ
कनेक्ट हो सके. तो मेरा ख्याल है हमें इतनी वो भी नहीं करनी चाहिए. और दूसरा ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना, सबसे बड़ी बात जो हमें यूनिवर्सिटी में फील होती है, स्कूल तक जो रेगुलर जो हमारे पब्लिक स्कूल का जो सिस्टम है, बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग बिल्कुल नहीं दी जाती. जो टीचर ने लिखवा दिया बस इसको लिख लो, इसको याद कर लो, नतीजा क्या होता है? टू थिंक, सो दे जस्ट कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली. व्हेन एवर आई गिव देम सम असाइनमेंट विच दे हैव टू थिंक, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट असाइनमेंट टू डू. और मैंने एक उसके लिए इस्तलाह खुद आई डोंट नो ये इजाद किया अंग्रेजी में, टू मेक थिंक. मैं उनसे कहती हूँ मैंने आपको सोचवाना है. एक होता है ना सोचना जो आप खुद ही सोचते हैं, बट आई फोर्स देम टू थिंक. लेकिन वो लिटरली बेचारे अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग से कुछ लिखना या कोई आइडिया को कोई शक्ल देना वो मुश्किल होता है. इसलिए उन बच्चों की हमने वो तरबियत नहीं की. जबकि जो अच्छे से स्कूल हैं इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश मीडियम कह लें उनको या अदरवाइज, उसमें इसके ऊपर भी साथ साथ काम किया जाता है. तो इसलिए बच्चे जो हैं दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ. इसीलिए ये रॉड सिस्टम या रट्टा सिस्टम जिसे आप कहते हैं वो भी इसलिए होता है कि वो खुद से कुछ लिख नहीं सकते, बस जो याद हो सकता है उसको कर ले भी लेकिन. ये काफ़ी लंबी बातें हो गई मेरा ख्याल है, बट जितनी इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं बुनियादी तौर पर. तो हमें एजुकेशन का सिस्टम, उसका कॉन्टेंट, उसकी पेडागोजी, उसकी डिलीवरी, उन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है. अब वो 14 साल के जो बच्चे आए होते हैं डिपेंडेंट थिंकिंग के साथ, अब हम हायर एजुकेशन में चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाए, वो हो नहीं पाता. सबसे मुश्किल स्टेज आ जाती है रिसर्च में, टॉपिक कहाँ से फाइनल करें, उनसे टॉपिक ही नहीं सोचा जाता. यू नो दैट इज बिकॉज दे हैव नॉट मेड टू थिंक. मैम जैसे हमने भी थोड़ी सी पहले एजुकेशन की बात की, अगर आपके प्रोफेशन के ऊपर आए तो सबसे आपके ख्याल में आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही अभी तक आपके प्रोफेशन की यहाँ तक? प्रोफेशन की अचीवमेंट क्या रही या मेरी अचीवमेंट क्या रही, या इन दोनों को हम इकट्ठा करें? दोनों को इकट्ठा कर दें या दोनों को अलग अलग बता दें? देखें प्रोफेशन की अचीवमेंट तो ये है कि हमारा प्रोफेशन है क्या एक्चुअली. आवर प्रोफेशन विच पीपल आर यूजली कन्फ्यूज्ड अबाउट कि ये क्या है लाइब्रेरी साइंस, और अभी हमने उसका 2014 में इसका नाम रखा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. आवर बेसिकली रोल इज टू कनेक्ट ऑल द नॉलेज whatever is required by the people, ठीक है, तो we are mediator. Since there is a lot of knowledge in many of formats, it seems like that everything on your fingertips. But उसी का नतीजा है जब हम समझते हैं, हमें सब पता है कि ये आजकल जो fake news और fake चीज़ें और सब standards, वो क्या कहते हैं सोर्सेज जिन पर हम रिलाई करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू गेट द रियल इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू इवेल्यूएट द इंफॉर्मेशन. तो ये हमारा, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म, चाहे वो लाइब्रेरी में है, चाहे वो प्रिंट में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में है, तो ये हमारी जो स्किल्स है ना, ये हम अपने लिए भी बहुत यूज़ करते हैं और हम अपने जो क्लाइंट्स हैं ना उनके लिए भी. और आज के दौर में ये इसकी ज़रूरत पहले से बढ़ गई है. और ये मैं नहीं कह रही, ये जहाँ मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये जो हेल्प है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी, ये आज की ज़रूरत है. तो ये एक डेवलपमेंट जो है ना, एक इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वी आर लाइक एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अ नॉलेज सोसाइटी, वी आर अ की कॉम्पोनेंट ऑफ अ नॉलेज सोसाइटी एंड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दैट इज़ आवर प्रोफेशन, इट इज़ टेकिंग शेप. सो कंसिडरिंग दैट नीड एंड फ्यूचर नीड, we have also changed our nomenclature, our curriculum and things to accommodate these information societies needs of Pakistani societies. To humne department ka apna ye nomenclature change kiya, ye dekhte rehte hain hamare paas. Agar main idhar se karu to building nahi thi, wo humne li librarians ke sath interaction, unki continuing professional development ke sath hum kaam karte rehte hain. टीचर्स की रिसर्च मेथड्स में ट्रेनिंग, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, ये वो हमारी वर्कशॉप चलती हैं. तो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट इन आवर डोमेन, बल्कि रिसर्च और ट्रेनिंग में भी हम स्कॉलर्स को हेल्प करते हैं.
तो मैम, जब एक बच्चा होता है तो वो जब मैट्रिक करके आर्ट्स की तरफ जाना स्टार्ट करता है, क्योंकि आर्ट्स में अब आ गए हैं लाइब्रेरी साइंस भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जब हमारी अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो जिन लड़कियों ने लाइब्रेरी साइंस रखी हुई थी उनको बाकी कहते थे यार क्या मतलब एक बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रही हो, इसका क्या करना तुमने आगे जाके। तो मैम, इस तरह की लैंग्वेज मतलब इस तरह की बातें क्यों बोली जाती हैं लाइब्रेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी हम दो तरह के हमारे ओपिनियंस हैं। एक तरफ जब कोई मौका होता है, कोई लाइब्रेरी डे होगा या कुछ होगा, तो कोई भी लीडर आके ना लाइब्रेरीज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि किसी कौम की तरक्की का इनसार लाइब्रेरियों पर है, लाइब्रेरियों के बगैर हम ये हैं वो हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उससे रिलेटेड प्रोफेशन है, जो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको मैनेज करना है, उसकी सर्विसेज डिज़ाइन करना है, उसको फ्यूचर के मुताबिक लेके जाना है। सो दैट इज़ व्हाट यू रिक्वायर्ड। सम हाउ उसके बारे में पीपल अवेयर नहीं है। और ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि डॉक्टर की तरह से मैं बीमार हूँ तो दवाई मैंने उसी से लेनी है, या लॉयर के पास जाना है तो उसी से जाना है। तो इसलिए ये एक अनक्लैरिटी जो है, आप कह लें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सारी दुनिया में पाई जाती है। इस प्रोफेशन की एक जो डाउन साइड है वो ये है कि ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है, चेंजेस इसमें आती रहती हैं, इसलिए कि ये जिस से मुतालिक है उसमें चेंजेस आती रहती हैं। लाइब्रेरी पहले विद इन वॉल लाइब्रेरी थी, अब वो बियॉन्ड वॉल लाइब्रेरी हो गई, साइबर स्पेस में लाइब्रेरीज हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। तो वो चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व होती जाती हैं, इंफॉर्मेशन नीड्स जैसे जैसे चेंज होती हैं, सोसाइटी की इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स चेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, तो उस हवाले से हम अपने आप को साथ इवॉल्व करते हैं। बट पीपल डोंट नो, दे जस्ट गेट द सर्विस एंड दे डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग बिहाइंड ऑल प्रोवाइडिंग ऑल दिस सर्विस। तो इसलिए इसमें आई डोंट माइंड दैट, ये शुरू में भी हम बातें सुनते थे लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो ये इसमें मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती इसलिए बिकॉज दे डोंट नो। सही। तो मैम, डिजिटल एक बुक पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है या एक जो हाथ में एक चीज़ होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ डिजिटल पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये डिपेंड, इसमें भी हमने जो स्टडीज़ की हैं तो उसमें एज इज़ अ फैक्टर इन डिटर्मिनिंग योर प्रेफरेंस फॉर फॉर्मेट। ओके, जो जनरेशन वाई है या डिजिटल बॉर्न सिटीजन हैं वो मे बी ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हों, जो कि हम उनको कहते हैं माइग्रेंट, डिजिटल माइग्रेंट, जो मेरी जनरेशन है। तो हमें अभी हमारी रूट्स जो हैं वो प्रिंट में हैं, इसलिए वैसे मेरे अपनी ज़ाती ख्याल में जो प्रिंट रीडिंग मटेरियल जैसे रीडिंग फॉर्मेट मुझे प्रिंट अच्छा लगता है, और ब्राउजिंग सर्चिंग फॉर्मेट दैट इज़ डिजिटल। If you have to read and you have to absorb and you have to enjoy reading and to learn, absorb, then I would go for print. ठीक है, लेकिन shallow reading, सर्सरी चीज़ें देखने के लिए आप उसको use करते हैं, तो मैं तो compliment करती हूँ दोनों को। It depends on my need कि मैं किस काम के लिए कब क्या करना है। सही। तो मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी life के अंदर कोई कोई ऐसा वाक्य जो अभी तक आपके माइंड में ताज़ा हो, कोई खुशगवार या कोई ना खुशगवार, कुछ भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे खुशगवार वाक्यात हैं, कोई एक हमारे साथ ही है। अभी एक चलें लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है वो यही है कि अभी यूएसए में गए थे, यूएसए वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है उनकी, बड़ी उसकी 80th कॉन्फ्रेंस थी, वो 80 साल पुरानी वो ऑर्गेनाइजेशन है एसिस्ट। तो वहाँ पर उसकी मैं फ़र्स्ट टाइम ये था कि पाकिस्तान से या आप कह लें कि इस खत्ते से कोई उनकी कमेटी के मेंबर थे, जो प्रोग्राम कमेटी थी उसमें, तो आई फेल्ट गुड। और फिर मेरा एक जो स्टूडेंट है पीएचडी की, उनका पेपर था जो कि बेस्ट पेपर था, एक कंपटीशन था डेवलपिंग कंट्रीज़ के पेपर का, तो वो हमारा उसमें बेस्ट पेपर अवार्ड भी था, तो इट वॉज़ गुड टू बी देयर। कह लें आप जो अमेरिका की और दुनिया की जो क्रीम है ना स्कॉलर्स की, वो वहाँ पर थी। दैट इट वाज अ प्राइड फॉर अस एंड यूनिवर्सिटी एंड पाकिस्तान। सही। मैम, जब आप आपके पास एक न्यू बैच आता है, एक न्यू क्लास आती है, जब आप पहले दिन क्लास में जाती हैं तो आप किस तरह से मतलब स्टूडेंट्स जब आपसे बात करते हैं पहले दिन का आपका क्या वो होता है, किस तरह से आप बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्टार्टिंग में रॉब डाल दो बस उसके बाद गुस्सा दिखाओ। गुस्सा मुझसे दिखाया नहीं जाता, कभी कभी आ जाए तो वो अलग बात है, तो
मैं फेक नहीं कुछ कर सकती. मेरा एक अपना नेचुरली मैं जाके बस उनकी अटेंडेंस वगैरह लेके उनसे जनरल थोड़ी बहुत गपशप करके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवा दिया, कोई थोड़ा उनका कर लिया अगर वो पै तो ऐसे ही है, थोड़ी एक रैपोर्ट डेवलप करते हैं. सही. तो मैम टीचर्स के बारे में बहुत फेमस होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये टीचर ज़्यादा मार्क्स देती है, टीचर कम मार्क्स देती है, आप किस तरह से मार्किंग करती हैं? मेरे बारे में वैसे यही था, ये कम देती हैं बट स्टिल स्टूडेंट वर हैप्पी. ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं उनको सही नंबर देती हूँ अनड्यूली, हमें खुश करने के लिए ग्रेड्स नहीं बढ़ाते बट दे एक्सेप्टेड एंड दे आर सैटिस्फाइड विद दैट. सही. तो मैम जब आप क्लास के अंदर जाती हैं, आप जैसे जैसे आप उनको पढ़ाती जाती तो आपको आइडिया होता जाता है कौन सा बच्चा किस फील्ड का है और किस तरह से ये आगे चलेगा लाइफ के अंदर? तो कुछ अंदाज़ा हो जाता है. देखिए हर क्लास में जो होते हैं ना दरमियाने दर्जे के बच्चे ज़्यादा होते हैं, आउटस्टैंडिंग टॉप पे और आउटस्टैंडिंग बॉटम पे वो कम होते हैं. तो जो वो बॉटम दोनों किस्म टॉप और बॉटम है ना, वो आपको पता चल जाता है कि ये बेचारे कोई ख़ास इम्पैक्ट इनका होना नहीं है इनकी अपनी लाइफ पे. लेकिन कुछ ना कुछ उनमें से भी कुछ बच्चे कर ही जाते हैं, जॉब उनको मिल जाए तो वो भी फिर सीख लेते हैं. तो जो दरमियाने दर्जे के होते हैं वो फिर आप इतना नोटिस नहीं करते उनको. सही. तो मैम प्रैक्टिकल स्टडीज़ बेहतर होती हैं थियोरेटिकल से, क्या समझती हैं आप इसके बारे में? ये तो फील्ड्स पे डिपेंड करता है, कोई फील्ड प्योरली प्रैक्टिकल होंगे, कोई प्योरली थ्योरेटिकल होंगे, बट मोस्टली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस. वॉट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन, दैट इज़ द क्वेश्चन. लेकिन सिर्फ थेरी के बगैर प्रैक्टिस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, यू शुड नो वट यू आर डूइंग, उसके बगैर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैम एक्चुअली हमारी यहाँ पे एक गेम होती है ए टू जी जो हम अपने हर गेस्ट के साथ खेलते हैं, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत स्टूडेंट्स को लगता होगा आप बहुत ड्राई हैं, आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं जो आपसे नहीं पढ़ते, क्योंकि जिनसे आप जिनको आप पढ़ाती हैं उनको पता होगा. मैम यहाँ पे आप खेलेंगी ए टू के, आपके माइंड में ए से के तक आपने ए बी सी बोले और जो पहला वर्ड आता है आपके माइंड में आपने वो बोला. मैम टाइम आप ले सकती हैं. ए से पहला वर्ड तो मुझे अल्लाह याद. ओके ओके. एंड बी इज बेबी. ओके. एंड सी इज करेज. एंड डी इज डेडिकेशन. देखिए टीचर हैं, सारे वर्ड्स उनको माइंड में रखिएगा, पॉइंट करिएगा. E is again encouragement. F is fail. No. बहुत सारे बच्चे. F is my father. Oh. Father. And G is gorgeous. E. H. E मैंने मेरे यहाँ बता दिया था. H. H. Honest. I is I is I. Okay. Okay. And J is judge. Okay. And K. And K is knowledge. Okay. ठीक है मैम. तो अब हम यहाँ पे मैम आपसे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं. यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि मैम कंवल जो इतना मतलब आप कह रहे हैं जिनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, माइंड में यही आता है कि इनके जो बच्चे होंगे वो भी कोई प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा. मैम अली जफ़र, जैन जफ़र एंड दानियाल जफ़र की मदर यहाँ पे हमारे साथ इस टाइम पे अभी, क्योंकि उससे पहले हम कंवल अमीन साहिबा से बात करते थे जो चेयरपर्सन थी, अब हम यहाँ पे एक मदर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैम मैं ये पूछूँगी आपसे, मतलब सब माएँ चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. जैसे आपने इतना स्टडी किया, जफ़र साहब जो हैं माशाल्लाह से उन्होंने भी पढ़ाई की तरफ ही रुझान था. तो आपका मतलब जो आपके बड़े बेटे हैं अली जफ़र साहब, वो सिंगिंग की तरफ चले गए कुछ उस टाइम पे जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया, आपके माइंड में था नहीं हम तो इसको डॉक्टर बनाना था, इंजीनियर बनाना था? नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ बताएं इसके बारे में. मेरे अब्बा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं नहीं बनना चाहते. Because I am not made for sciences. Okay, I am for social sciences, art, literature, these things. इसलिए हमने उसको फोर्स नहीं किया, हालांकि उसने मैट्रिक में टॉप किया था अपने स्कूल में. ठीक है, बट
उसने कहा मैंने साइंसेज और नहीं पढ़नी, तो मैंने खुद क्योंकि नहीं पढ़ी तो इसलिए मुझे भी पता था कि मेरे लिए दैट वाज हार्ड, तो इसलिए अपने उसको छोड़ दिया। और उसकी ड्राइंग इतनी एक्सेप्शनल थी चाइल्डहुड से ही कि हर वक्त अपनी वो किताबों के ऊपर कुछ ना कुछ बनाता रहता था, तो इसलिए मैं नहीं समझती कि हमें उनको फोर्स करना चाहिए उस चीज़ की तरफ जिस तरफ उनका माइंड उतना अच्छा नहीं है जितना कि नेचुरली गॉड गिफ्टेड जो उनमें टैलेंट्स है। तो इसलिए हमारे लिए घर में ये कभी बहस नहीं हुई कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है या क्या बनना है, बस जो बनना है अच्छा बनाओ, दैट्स इट, मीडियोकर नहीं, एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, तो मैम जब उन्होंने स्टार्ट किया अपनी इंडस्ट्री में काम, ऑब्वियसली एक ड्रामा से स्टार्ट किया और माशाल्लाह से आज पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर्स में वो इंक्लूड होते हैं, तो मैम ये स्ट्रगल पीरियड उनका आपके सामने गुजरा, जैसे आपने स्ट्रगल आपकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा की है, आई वुड से, तो मैम उसकी स्ट्रगल और वो उसका ये है कि उसको खुद ही पता था, हमें तो उस फील्ड का कुछ पता भी नहीं था, तो ही मेड हिज ओन वेज लोगों से मिलना, और उसने वो काफ़ी जो है ना मुश्किलात में से गुजर के उसने ये अपना रास्ता बनाया, अल्लाह ताला की मदद थी और उसकी अपनी हार्डवर्क थी और सारा था, हमें कुछ नहीं था कि क्या करना है तो क्या नहीं करना। कभी ऐसा हुआ कि किसी एक स्टेप पे आके उन्होंने आपको बोला हो कि मैं थक गया हूँ अब मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हुआ, तो अभी भी ही इज़ वर्कहोलिक, अभी भी उसको दो चार दिन फारिग, दो से ज़्यादा वो एक दो दिन से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकता, वो बोर होना शुरू हो जाता है। सही, तो मैम आपकी जो बहुएं हैं माशाल्लाह से दो हैं, कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं? और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, स्टाफ के लिए बहुत अच्छी हैं, वो कहा जाता है बहू और सास का रिश्ता जो होता है ना वो अनबन का ही होता है। आप उनसे पूछें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा बताएं, बट बहरहाल भाई जो बड़ी अली की ही मैसेज है, अभी उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक दिया था बेस्ट मदर इन लॉ का, आयशा मैम को तो हमें पता लगता रहता है कि जी, और दूसरी भी जो है सना है, उनके साथ में मेरी बहुत दोस्ती है, तो हम तीनों ही जो है वी मेक अ वेरी गुड कंपनी, बाहर जाते हैं इकट्ठे होते हैं, घर में भी जब छुट्टी होती है बैठते हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैम अली सर भी सिंगिंग साइड पे आ गए, मीडिया साइड पे आ गए, दानियाल भी मीडिया साइड पे आ गया, जैन जो था उसने वो आगे कंटिन्यू किया, जैन अपनी स्टडीज उसमें गया है तो वो उसमें गया है। दूसरी बात ये है कि स्टडीज़ जो है ना उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अली का ये कंडीशन थी कि उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी, दानियाल के साथ कंडीशन है कि उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी, तो ही इज़ डूइंग आल्सो हिज स्टडीज, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बहरहाल। सही, तो मैम अपने जो आपके पोते पोतियाँ हैं उनके साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करती है? लाइक दे आर वेरी क्यूट, मैंने देखा और तो मतलब बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। टाइम मैं बचपन से ये भी मुझे है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले जाते ही चाहे मैं कितना थकी हुई हूँ इफ़ दे आर अराउंड तो मैं उनके साथ खेलती हूँ टू फ्रेशन माई सेल्फ, तो उससे मेरी एनर्जी जो है ना वो वापस आ जाती है, तो मैं तो डेली उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सही, तो मैम अभी जैसे मेरे माइंड में एक्चुअली क्वेश्चन आया था कि हम लोग जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं, किसी कहीं से गुजर रही हो, क्योंकि अभी माशाल्लाह से अली सर बहुत वो हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है, बहन कोई है कि नहीं है, भाई है, कितने हैं, क्या करते हैं, तो लाइक कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आगे बोला आप अली दुबे की मदर हैं या क्लास में हो? क्लास में तो स्टूडेंट्स नहीं करते, बट इधर उधर के डिपार्टमेंट्स की कई दफ़ा जाते हुए रोक के पूछ लेते हैं, तो कह देती हूँ यस। तो कभी किसी कोई ऐसा फैन मिला कि जिसने कहा मैम एक सेल्फी चाहिए आपके साथ? तो अभी रिसेंटली एक बच्चे ने कहा था मुझसे ये पूछ के, तो मैंने उससे कहा कि मैं वैसे अगर आपने उतारनी उतारना, बिकॉज आई डोंट टेक सेल्फीज विद स्टूडेंट्स, इतना सा मैंने रखा हुआ है, सेल्फीज मैं सिर्फ अपने घर में भी बहुत कम लेती हूँ, तो इसलिए वो मैं नहीं करती, वैसे तस्वीरें ले लेते हैं तो आई डोंट माइंड। सही, तो मैम कभी फैमिली के साथ बाहर गई हूँ जब अली सर के साथ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बैठने देता है टिक के सुकून से कहीं किसी जगह पे, तो कभी ऐसा हुआ कि फैमिली एक गैदरिंग हो रही थी तो अली सर का कोई फ़ैन आ गया? और ये आते ही रहते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें जब हम खुश होते हैं कि फ़ैन्स हों, तो फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर भी खुशी होना चाहिए, ये अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आ जाते हैं और कोशिश उसकी ज़्यादा तो यही होती है कि वो डील कर लेता है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इशार करते हैं, फिर उसको पोलाइटली कहना पड़ता है कि मैं इधर से फारिग हो गए, तो देन आई यू नो वट एवर यू वॉन्ट, तो ये और बाकी वो मैं मानती हूँ इस बात को, मैं खुद मिली हूँ तो बहुत पोलाइट हैं बहुत माशाल्लाह से। कुछ कहेंगी अपने बच्चों की अचीवमेंट के बारे में कि
आपने और जफर साहब का, किस तरह से आपने उनको मतलब बैक एंड पे मोटिवेट किया कि बेटा जो करना है करो, हम पीछे हैं? ये हमने उनको कहा नहीं है, कहते हैं एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. बिल्कुल, दे न्यू वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम व्हाटएवर दे चूज टू डू. सही. तो वो हमेशा उनको सपोर्ट हमने किया है और मेरा ख्याल है कि मैं बड़े खुशी के साथ ये और अल्लाह ताला का शुक्र अदा ही नहीं कर सकती, हाउ प्राउड मदर आई एम. नॉट जस्ट बिकॉज दैट अली इज़ अ स्टार, मेरे तीनों बच्चे जहाँ तक मेरी मालूमात है, फरिश्ता तो कोई नहीं होता. बिल्कुल. लेकिन एटलीस्ट उनमें सर्टन वैल्यूज़ हैं, ह्यूमैनिटीज की, केयर की, लव की, वो हमने उनमें जो दी है और जिसको वो स्प्रेड कर रहे हैं उसकी मुझे ज़्यादा खुशी होती है. बिल्कुल ऐसा ही है, वो वाकई मतलब वो ग्रेटिट्यूड पे बहुत बिलीव करते हैं, वो फैंस की फीलिंग्स के लिए बहुत बिलीव करते हैं. ये जो स्टारडम है इसकी लाइफ कुछ पता नहीं कितनी होती है. बिल्कुल. लेकिन वैल्यूज जो है ना आपकी, या आपका जो इनर सेल्फ है, कंडक्ट है, वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है. इसलिए वो अच्छी बात यह है कि वो दे नो हाउ टू डील विद देमसेल्फ्स एंड अदर्स. सही. मैम, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगी? यूएमटी के स्टूडेंट्स अब भी आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, कोई मैसेज, एडवाइस, कुछ भी? मैसेज मैंने क्या देना है बच्चों को, सारे ही लोग मैसेज देते रहते हैं, बेचारे थक जाते हैं मैसेज ले लेके. नहीं मैम, आप जैसे टीचर्स की मुझे तो अब ये लग रही है मुझे अपना माइग्रेशन करा लेना चाहिए. करवा लें, विल बी हैप्पी. एक तो बात यह है कि फास्ट फूड खा खा के ना एक जनरेशन हमारी वैसे भी हर चीज़ में बड़ी फास्ट ट्रैक पे हो गई है कि हर चीज़ का रिवॉर्ड फौरन मिल जाना चाहिए. बिल्कुल. तो एक पेशेंस और कमिटमेंट के साथ और थोड़े सब्र के साथ सिचुएशंस को हैंडल करना भी सीखें. अगर आपके साथ किसी ने एक कोई बुराई कर दी है या बुरा कर दिया है तो एक दफ़ा अगर उसको कम से कम माफ़ कर दें तो एक आप अगली दफ़ा वो हो सकता है आपसे अच्छा कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एक बुराई के बदले में इसने मेरे साथ ये किया दूसरी करते हैं तो फिर वो दो की चार और चार की छः और छः की आठ होती है. बिल्कुल. इसलिए थोड़ा सा माफ़ करने पर, टॉलरेट करने पर, लोगों को जैसे वो हैं, एक एम्पथी एक होती है सिंपथी. तो थोड़ी एम्पथी जो है ना टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर्स और उनके साथ कनेक्ट करने वो पैदा करें तो अच्छी बात है. अपने पेरेंट्स को भी, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी ज़िंदगी है, उनका कोई राइट नहीं है, ऐसा नहीं है. उन्होंने भी जो कंट्रीब्यूट किया है, ड्यू रिस्पेक्ट उनको ज़रूर दें. रास्ते ठीक है आप अपने चुने, बट उनको साथ लेके चलें. सही. वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. जी, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी कंवल अमीन साहिबा. कंक्लूजन मैं यहाँ पे क्या दूँ, उनकी बातें मतलब मैं यहाँ पे स्पीचलेस हूँ. उनकी बातें आपने सुनी, स्टूडेंट्स को हमेशा काम करते रहना चाहिए अपनी फील्ड में. स्ट्रगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी इंसान चाहता है वो उसको बगैर स्ट्रगल के नहीं मिल सकता. बस इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.